बॉम्बे टॉकीज में आज सुनिए लेखक और व्यंग्यकार शरद जोशी की सुपुत्री अभिनेत्री नेहा शरद से अमरकांत दुबे की बातचीत। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका बेला महकारी महका आधी रात को। ओ मन क्यों बहकारी बहका आधी रात को, बेला महकारी महका आधी रात को। किसने बंसी बजाई आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को। जिसने पलकी जिसने पलकी चुराई आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। और बॉम्बे टॉकीज में फिल्मी बातें होती हैं, फिल्मी गपशप होती है। जाहिर सी बात है कि फिल्म से जुड़े जो कलाकार हैं वो हमारे मेहमान होते हैं, उनके साथ जो गपशप होती है उसे हम उन्हीं के फिल्मों के गीतों से या संवादों से सजाते हैं, संवारते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि जब भी किसी फिल्म का निर्माण होता है, कोई फिल्म के बारे में कोई निर्माता निर्देशक सोचता है, तो जो सबसे पहली चीज़ होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है कहानी, स्क्रीन प्ले होता है, संवाद होते हैं। ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, इसी पर पूरी फिल्म खड़ी होती है। और जब इस पर पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं निर्माता निर्देशक, तब आगे बढ़ते हैं। तो आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इसी विधा से जुड़े रहे हैं। महान लेखक, कवि, साहित्यकार, व्यंग्यकार शरद जोशी। बंदे में था दम और बंदे की कलम में भी था जबरदस्त दम। ऐसा दम कि उनकी लिखी रचनाएं, उनके लिखे व्यंग्य, उनके लिखे संवाद आज भी लोगों को याद आते हैं, लोगों के बीच के लगते हैं। तो हम बात आज करने वाले हैं शरद जोशी जी की बेटी नेहा शरद से। नेहा शरद जो खुद भी एक बहुत ही अच्छी रंगमंच की और टीवी की कलाकार रही हैं, बहुत सी विज्ञापन फिल्मों में नेहा शरद जी ने काम किया है और अभी भी साहित्य से जुड़ी हैं, शरद जी की रचनाओं से जुड़ी हैं, शरद जी से जुड़े कार्यक्रमों से जुड़ी हैं और अपना योगदान जो है वो लगातार दे रही हैं, पूरी तरह से सक्रिय हैं। तो स्वागत करते हैं विविध भारती के स्टूडियो में शरद जोशी जी की बेटी नेहा शरद का। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद विविध भारती का, आपका इतनी शिद्दत से, इतनी मोहब्बत से आप लोगों ने याद किया शरद जी को, आप याद कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है आपके सामने बैठ के आपसे बात करने का आज मौका मिलेगा, बहुत शुक्रिया। और ये हमारा भी सौभाग्य है, जैसा कि मैंने कहा, देश के लिए शरद जोशी कोई अनजाना नाम नहीं है जी। भले ही आज शरद जी हमारे बीच सशरीर नहीं है जी। लेकिन शरद जी के लेखों के जरिए, शरद जी की कविताओं के जरिए, उनके जो गद्य रहे हैं, उनके पद्य रहे हैं, उनके जरिए शरद जी कहीं ना कहीं हर किसी के जीवन में दखल तो रखते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल सही कहा। कभी लोग ये समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते जी, हैं जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शरद जी ने बतौर लेखक, बतौर व्यंग्य लेखक, हर किसी की जिंदगी में झांका है जी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। शरद जी की लेखनी जो शुरुआत हुई थी
उसमें कहीं उन्होंने बहुत ज्यादा विश्व की जो समस्याएं थी वहां से उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन धीरे 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 उनकी लेखनी एक आम आदमी पे जाकर केंद्रित हो गई। जबकि लोगों का होता है कि वो शुरुआत करते हैं छोटे लेखों से और बड़े विश्व समस्याओं तक पहुंचते हैं, पर शरद जी ने ये तय किया कि नहीं, मैं आम आदमी की छोटी छोटी समस्याएं, उन्होंने कहा शायद मैं इस लेख को लिख के महान न बन पाऊं कि वो हो सकता है समस्या तीन दिन बाद सुलझ भी जाए, लेकिन आज अगर वो समस्या जरूरी है और एक आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती है तो मेरे लिए वो रचना लिखना बहुत आवश्यक है, मैं जरूर लिखूंगा कि नल में पानी नहीं आ रहा है तो ये मेरे लिए देश की सबसे बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। तो और इस तरह से शरद जी की लेखनी जो जिसके लिए कहा जाता है कि चाय की दुकान से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सभी लोग चाहते हैं, सराहते हैं, पसंद करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनकी जो शिद्दत और उनके जो इंटेंशन रहे हैं आम आदमी के लिए, वो उस लेखनी को बहुत अमर बनाते हैं, जिंदा बनाते हैं। नेहा जी, आपके माध्यम से हम शरद जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जान सकेंगे जो संभवतः हमारे बहुत से श्रोताओं को नहीं मालूम हो जी। और आज के इस इंटरनेट के युग में भी हो सकता है कि बहुत सी बातें सामने ना आई हो जी। और हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं बातों को आपसे जाने, और आपसे अच्छा माध्यम कोई और हो नहीं सकता शरद जी के जीवन से जुड़ी बातों को जानने का और समझने का। सबसे पहले तो खैर मैं चूंकि आपसे बात कर रहा हूं तो आपसे आपके बारे में ही जानना चाहूंगा कि जन्म कहाँ हुआ आपका? हम लोग तो भोपाल के हैं, स्कूलिंग भोपाल में हुई, फिर उसके बाद शरद जी यहाँ मुंबई आ गए थे फिल्में लिखने के लिए। कब ये किस समय की बात होगी? ये देखिए 70 के दशक में कहीं, बल्कि उससे पहले शरद जी लेख तो लिखा करते थे, कॉलेज के समय ही वो एक एस्टैब्लिश राइटर हो चुके थे और काफी पसंद किए जाते थे, लेकिन वो लेख लिखते थे अखबारों के लिए, नई दुनिया वगैरह के लिए और दूसरे प्रमियोग और दूसरे जितने भी उस समय के साप्ताहिक हिंदुस्तान और सारिका वगैरह थी। लेकिन कहीं इससे पहले थोड़ा नया दौर एक फिल्म आई थी और उसकी शूटिंग मध्य प्रदेश में हो रही थी, तो शरद जी को जैसे ही पता चला बुधनी में कहीं वो शूटिंग हो रही थी तो वो ट्रेन में बैठ के वहां पहुंच गए, किसी को नहीं जानते थे, पर वहां जाके सबसे मित्रता कर ली उन्होंने और पहली बार हार्ड बाउंड स्क्रिप्ट उन्होंने देखी एक फिल्म की, वो नया दौर की स्क्रिप्ट थी, और वो देख के उनको लगा कि ये एक मीडिया है, ये एक काम है जो मैं भविष्य में जरूर करना चाहूंगा। और वहां से उनकी एक फिल्म राइटिंग को लेके जो पैशन था वो शुरू हुआ। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। संसार मिला प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। कहीं दिल जवां और रुत हसी,
चल यूं ही चल दे कहीं, तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन, तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। ओ, 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 जान भी तू है दिल भी तू ही, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। फिर उसके बाद जब मुंबई आए तो बस एक शरद जी की शर्त रही कि वो कभी किसी से मिलने नहीं गए काम के लिए, कभी हाँ। उन्होंने किसी सेट पे नहीं गए। वहां तक हम पहुंचेंगे। जी जी जी। अभी तो सिर्फ बॉम्बे पहुंचे हैं। जी जी जी। तो पहले तो शरद जी आए होंगे, बाद में आप लोग आए होंगे। जी हाँ। पहले शरद जी ने यहाँ पे अपना हिंदी एक्सप्रेस एक अखबार निकलता था, उस मैगजीन आती थी, उसके लिए शरद जी बॉम्बे आए थे। कितनी छोटी थी उस समय आप? मैं स्कूल में थी, 8th में थी। अच्छा। छोटी थी। हाँ। उस समय तो खैर इतना समझ नहीं रही होगी आपको, लेकिन फिर भी जब पिताजी बॉम्बे चले आए, उस समय का बॉम्बे आज की मुंबई है, तो जब बॉम्बे चले आए तो फिर एक खालीपन घर में लगता होगा, पापा नहीं है घर में। हाँ। फिर आप लोगों ने कभी जिद की होगी कि नहीं भाई हमें भी अब बॉम्बे में रहना है? वो एक सिलसिला काफी लंबा चला है, लेकिन मेरी माँ चूंकि बहुत अपने जमाने की आगे बढ़ी हुई महिला थी, वो रेडियो की ए ग्रेड आर्टिस्ट थी, वो थिएटर किया करती थी, और शरद जी से तो पूरा शहर परिचित था, तो दिन भर घर में तांता लगा रहता था राइटर्स का, पत्रकारों का, लेखकों का, कवियों का, और ये अपने जो रंगकर्मी हैं, और नाटक होते थे शाम को, हम लोग रिहर्सल्स के लिए चले जाया करते थे, तो इसी तरह से वो एक पूरा माहौल भरा हुआ रहता था, और पूरे वक्त शरद जी की बात जरूर होती रहती थी। तो कहीं कमी तो नहीं, कहीं ना कहीं नाम और आने वाले हैं, और वो इन्होंने ये काम किया, धर्मयुग में आज उनका ये लेख आया है, तो उनकी प्रेजेंस हमेशा रही हमारे पास। और जब सचमुच बहुत तकलीफ होती थी तो माँ कहीं से फोन करके उनसे कहती थी कि अब तुम आ जाओ, देखो अब मैं नहीं संभाल पा रही हूँ बच्चों को। हाँ। तो वो फिर भोपाल तुरंत आ जाते थे, भोपाल उनका बहुत पसंदीदा शहर था। फिर परमानेंटली आपका मुंबई आना कब हुआ, यानी बॉम्बे आना कब हुआ? हम लोग 84 में आ गए थे, उस वक्त जब यहाँ शिफ्ट हुए तो ये जो है जिंदगी सीरियल शरद जी लिख रहे थे। हाँ, उत्सव फिल्म उस वक्त 84 में आई थी, उसके बाद ये जो है जिंदगी, तो वो सारा माहौल उनका चल रहा था, कवि सम्मेलन उन दिनों तो धूम, बिल्कुल अलग ही माहौल, दूरदर्शन ही था। जी जी। और दूरदर्शन पे बहुत ही चुनिंदा, और बहुत उस समय जो कवि सम्मेलन आए हैं, और उस वक्त जो कवि सम्मेलन हुआ करते थे, वैसा देश ने फिर माहौल नहीं देखा। अब कवि सम्मेलन की बात तो चली है, तो एकाध कविता अगर आप शरद जी की हमें सुना दें, अगर आप तो लेख, अगर मैं शरद जी का पूरा लेख सुनाऊं या मैं उसका एक हिस्सा आपको सुना देती हूँ। ये लगे रहो मुन्ना भाई में ये लेख है, विद्या बालन के घर में जो वो स्पीच देते हैं संजय दत्त, तो वो पढ़ी थी इन्होंने, तो मैं पूरा लेख तो नहीं पढ़ती हूँ, उसके दो हिस्से आपके सामने पढ़ के सुना देती हूँ। और हम और मैं और मेरी बहन देख रहे थे, वो एक बड़ा अद्भुत अनुभव था जब शरद जी की पंक्तियों पर लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई थी, बहुत सुखद सुखद रहा वो अनुभव। तो शीर्षक उसका है भी मगर नहीं है। है भी मगर नहीं है, नल है मगर पानी नहीं आता, हैंडपंप है मगर नल चल नहीं रहे, विभाग है काम नहीं करते, टेलीफोन लगाया लगा नहीं, अफसर हैं मगर छुट्टी पे हैं, बाबू हैं मगर उसे पता नहीं है, आवेदन किया था मंजूर नहीं हुआ, रिपोर्ट लिखवाई थी कुछ हुआ नहीं, जांच हुई थी रिपोर्ट नहीं आई, योजना स्वीकृत है पर बजट मंजूर नहीं है, बजट तो स्वीकृत है पर रुपया नहीं आया है, पद है पर आजकल खाली है, भाई आदमी तो योग्य था पर तबादला हो गया, अफसर ठीक है मगर उसके मातहत ठीक नहीं, भाई मातहत तो काम करना चाहते हैं, ऊपर से ऑर्डर ही नहीं आता, मशीन आ गई बिगड़ी पड़ी है, कारखाना है बिजली नहीं है, करंट है तार खराब है, उत्पादन हो रहा है बिक्री नहीं है, मांग है तो पूर्ति नहीं है,
पूर्ति तो कर सकते हैं, कोई डिमांड तो करे। पैसा बहुत है मगर ब्लैक का है, पूंजी जुटाई मगर अब तक मशीन के भाव बढ़ गए, फ्लैट खाली है किराए से नहीं दे रहे, बेचना है मगर कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा, लेना चाहते हैं लेकिन बहुत महंगा है। क्या है क्या नहीं है, कर्फ्यू हटा तो फिर झगड़े हो गए, स्थिति नियंत्रण में है मगर खतरा बना हुआ है, आदमी है मगर मनुष्यता नहीं रही, दिल है मगर मिलते नहीं, देश अपना हुआ मगर लोग पराए हो गए। आप नल में पानी ना होने की बात कर रहे हैं साहब, बहुत कुछ है फिर भी वो नहीं है जिसके लिए वो है। धन्यवाद। वाह वाह नेहा जी, मुझे याद आता है कि शरद जी का एक लेख था अतिथि तुम कब जाओगे। जी जी, ये जो अजय देवगन की फिल्म थी, हाँ, उसका टाइटल लिया गया था, तो वो शरद जी के लेख से टाइटल लिया गया था, अतिथि तुम कब जाओगे। तो कहीं ना कहीं कहानी पर भी उसका प्रभाव तो है ही। कहानी तो खैर अलग उन्होंने ली थी, कहानी शरद जी की नहीं थी, लेकिन टाइटल के लिए उन्होंने फोन किया था कि ये टाइटल हमें चाहिए, उससे हमारी पूरी जो कहानी का हिस्सा वो बन जाता है और लोगों को पता चलता है, उस टाइटल से बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं वाली, एक इंस्पायर्ड करने वाली। तो वो लेख अगर आप थोड़ा सा अगर आपके पास जरूर, हो जरूर, तो जरूर, जरूर मैं एक हिस्सा उसका आपको सुना देती हूँ। ये अतिथि की बात हो रही है यहाँ पे, एक मेहमान आ गए हैं और जो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी जी। तो सुबह तुम आए और बोले लॉन्ड्री में कपड़े देने हैं। मतलब ये कि जब तक लॉन्ड्री के कपड़े धुल के नहीं आएंगे तुम जाओगे नहीं। ये चोट मार्मिक थी, ये आघात अप्रत्याशित था। मैंने पहली बार जाना कि अतिथि केवल देवता नहीं होता, वो मनुष्य और कई बार राक्षस भी हो जाता है। ये देखकर मेरी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। तुम शायद नहीं जानते कि पत्नी की आंखें जब बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो मेरा दिल छोटा छोटा होने लगता है। कपड़े धुलकर आ गए पर तुम यहीं हो, पलंग की चादर दो बार बदली जा चुकी हैं और तुम यहीं हो। इस कमरे के आकाश में ठहाकों के रंगीन गुब्बारे नहीं उड़ते, शब्दों का लेन देन मिट गया, अब बात करने के लिए कोई चर्चा नहीं रही। पत्नी पूछती हैं, कब जाएंगे ये? जवाब में मैं कंधे उचका देता हूँ। जब वो प्रश्न पूछती हैं तो मैं उत्तर नहीं दे पाता हूँ, जब मैं प्रश्न पूछता हूँ तो वो चुप रह जाती हैं। तुम्हारा बिस्तर कब गोल होगा अतिथि? मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे घर में बहुत अच्छा लग रहा है। सबको दूसरों के घर में बहुत अच्छा लगता है। लोगों का यदि बस चलता तो किसी और के ही घर में रहते, किसी दूसरे की पत्नी से ही विवाह करते। मगर घर को सुंदर और होम को स्वीट होम, इसीलिए कहा गया है कि मेहमान अपने घर वापस लौट जाएं। मेरी रातों को अपने खुर्राटे से गुंजाने के बाद अब चले जाओ दोस्त। देखो शराफत भी एक सीमा होती है और गेट आउट भी एक शब्द है जो बोला जा सकता है। कल का सूरज तुम्हारे आगमन का चौथा सूरज होगा और वो मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं लड़खड़ा जाऊंगा। ये सच है कि अतिथि होने के नाते तुम देवता हो, लेकिन मैं भी तो आखिर मनुष्य हूं। एक मनुष्य ज्यादा दिनों देवता के साथ नहीं रह सकता। देवता का काम है दर्शन दे और लौट जाए। तुम भी लौट जाओ अतिथि, इसके पूर्व कि मैं अपनी वाली पे उतरूं, तुम लौट जाओ। मन तो कर रहा है तालियां बजाता रहूं। ये मंचों पे कई बार रचना पढ़ी गई है, मंचों पे कई बार शरद जी ने ये लेख पढ़े हैं बरसों, और फिर हम लोग भी शरद संध्या के नाम से एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें अनंत श्रीमाली जिन्होंने शरद जी पे PhD की है और कई लोग हम लोग मिलके शरद जी की रचनाएं मंच से पढ़ते हैं। एक शरद संध्या कार्यक्रम भी हम करते हैं जिसमें 17 सालों से हम शरद जी के लेख पढ़ते हैं मंच पे। अतिथि तुम कब जाओगे फिल्म की कहानी भले ही किसी ने लिखी हो लेकिन पूरा जीस तो इसी लेख में जा चुका है चैन सारा, जा चुकी है हर खुशी, रो रहे हैं देख तुमने कर दिया। Tell me,
चुके ना जाने तुम कब जाओगे सुहानी रात ढल चुकी है ना जाने तुम कब जाओगे जा चुका है चैन सारा जा चुकी है हर खुशी रो रहे हैं देख तुमने कर दिया इतना दुखी ना जाने तुम कब जाओगे सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब जाओगे Think you're right, don't you? Start all the fights, this is serious, so serious. Can't go all day, can't go all night. Don't you? Think you're right, oh, don't you? Start all the fights, this is serious, so serious. Can't go all day, can't go all night. जा चुकी है काम वाली काम सारे छोड़ के जाओ तुम भी है ये बिनती हाथ दोनों जोड़ के ओ जा चुकी है काम वाली काम सारे छोड़ के जाओ हाथ दोनों जोड़ के कब जाओगे ओ कब जाओगे कब जाओगे ओ कब जाओगे ना जाने तुम कब जाओगे सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब जाओगे सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब जाओगे अतिथि तुम कब जाओगे हम बात कर रहे थे तभी देखिए कुछ आपने ये जो है जिंदगी का जिक्र किया तो मैं अपने जो सुनने वाले हैं तमाम जो आज की पीढ़ी के हैं उनका इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये वो सीरियल था जो मुझे लगता है कि आज जितने भी कॉमेडी सीरियल चल रहे हैं उनका अकेला एक ये पिता है जिससे ये सारे जन्म हुए हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल, सारे के सारे कॉमेडी सीरियल जो हैं जितने भी हैं उन सब का पिता वो है सीरियल उसी से ये सारे निकले हैं देखिए उस समय पहली बार टेलीविजन पे ह्यूमर हो रहा था और कैसे ह्यूमर टेलीविजन पे काम करेगा हिंदी में और हिंदी टेलीविजन उस पूरे उसमें ये किसी को भी अनुमान नहीं था और उसमें एक विशेष बात ये थी कि देश के हर प्रांत को कहीं ना कहीं जोड़ा गया किसी ना किसी तरह से जोड़ा गया किरदार इस तरह से उसके बनाए गए रखे गए शरद जी ने इस तरह से डायलॉग्स उसके लिखे अभिनेताओं ने भी बहुत अच्छा काम बहुत, किया बहुत जबरदस्त काम तो निश्चित रूप से वो एक अद्भुत चीज रही देखिए देवर नो लेसर देन लॉरेन हार्डी मेरा अपना मानना है कि सतीश शाह ने जो काम किया है और राकेश बेदी ने जो काम किया है सीरियल में शफी इनामदार साहब ने जो काम किया है देहा स्वरूप जी ने जो काम किया है देवर नो लेसर देन लॉरेन हार्डी उनको जितना ड्यू हिंदुस्तान को देना चाहिए था मुझे लगता है और भी वो उस तरह से और बस ये हुआ कि कुछ कारणों से सीरियल लंबी नहीं चल पाई पर जितनी भी थी उसकी छाप लोगों के दिल पे हमेशा बनी रही और शरद जी के लिए जी 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 शरद जी ने जितने भी सीरियल और मेरे ख्याल से चौथा एपिसोड आते आते तो पूरे देश भर में लोकप्रिय सीरियल मुझे याद है सबसे ज्यादा टीआरपी के साथ वो चल रहा मुझे याद है सड़कें सूनी हो जाती थी जी बिल्कुल बिल्कुल सीरियल आता था जी जी बहुत ज्यादा इसकी टीआरपी रही हाई टीआरपी रही और आज भी लोग मेरे ख्याल से यूट्यूब पे देखते हैं और दूसरे चैनल्स पे भी दूसरे चैनल्स पे भी रिपीट होता है जी रिपीट होता है बहरहाल हम बात अब शरद जी की फिल्मों की करते हैं जैसे कि आपने बताया कि उनके मुंबई आने के पीछे नया दौर फिल्म की बाउंड स्क्रिप्ट थी जो वो कहीं ना कहीं प्रेरणा बनी बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ आके उनकी पहली बाउंड स्क्रिप्ट कौन सी थी शरद जी ने शुरुआत की कुछ फिल्मों से क्षितिज लिख रहे थे एक एहसास नाम की फिल्म थी लेकिन अगर पहली फिल्म सचमुच आप शरद जी की कहें तो गोधुली गिरीश कर्नाड के साथ में
और जहां तक मुझे ध्यान है क्षितिज शायद रिलीज नहीं हुई। क्षितिज हाँ, तो क्षितिज मतलब उस तरह से लिखना जो शुरू किया था उन्होंने वो क्षितिज से उनकी शुरुआत हुई थी, और एक एहसास नाम की फिल्म थी उसमें भी कुछ काम किया था उन्होंने, और पर ये जो है गोधुली फिल्म जो इनकी थी तो वहाँ से सारा सारा सिलसिला उनका शुरू हुआ। और गिरीश कर्नाड के साथ में एक अच्छा रैपो उनका रहा, गिरीश हालांकि उससे मैं पापा से शरद जी से बहुत छोटे थे पर उनका रैपो आपस में बहुत बढ़िया रहा, और बाद में फिर उत्सव में भी उन्होंने संवाद लिखे उनके लिए। तो वो फर्स्ट पहली फिल्म शरद जी की जो थी वो गोधुली थी, और वो गिरीश जी की भी पहली फिल्म थी। उस समय आप कभी शरद जी के साथ इस तरह से शूटिंग्स वगैरह में जाया करती थी कभी? जी उनकी सिटिंग्स वगैरह में जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सारी सिटिंग्स ज्यादातर तो शरद जी के घर पे हमारे घर पे ही हुआ करती थी। अच्छा। और चूंकि बचपन से हमने थिएटर किया हुआ है, हम मदर के साथ भी जाया करते थे रेडियो स्टेशन वगैरह और दूसरे प्रोग्राम में, तो एक बहुत एक स्वाभाविक जो इंटरेस्ट होता है कि भाई ये जो है जिंदगी का डिस्कशन हो रहा है, तो मंजुल जी बैठे हुए हैं, कुंदन जी बैठे हुए हैं, सारी बातें हो रही है घर पे, चाय पे चाय आ रही है, उस तरह की कोई ऐसी तो दिलचस्प घटनाएं तो बहुत सारी हुई, क्योंकि उस समय लाजवाब डायरेक्टर्स, लाजवाब एक्टर्स, और एक ऐसा मुझे लगता है कि एक स्वर्णिम दौर जो टेलीविजन का हिंदुस्तान ने देखा है वो 80 का दशक देखा है। तो कुछ किस्से ऐसे दिलचस्प अगर आपको याद आ रहे हो? मुझे बहुत ज़्यादा जो मैं रिलेट करती हूँ मैं अपने फादर की उस राइटिंग से करती हूँ, जो इतनी ज़्यादा तय रहती थी कि उनको सुबह लेख लिखना है प्रतिदिन, वो होने के बाद वो लंच करते थे, उसके बाद टेलीविजन वाले लोग घर पे आते थे, उनको उसके 1 बजे के बाद उनकी एंट्री होती थी, फिर 1 बजे से 5 बजे तक वो सारा जो टेलीविजन या फिल्म्स लिखना है, दिल है कि मानता नहीं की भी स्क्रिप्ट उन दिनों आने लगी थी और दूसरी फिल्में भी, तो वो सारे काम वो उस वक्त करते थे, और शाम के वक्त वो कहते थे कि अब मेरा आवारागर्दी का टाइम है और अब मुझे बख्शो सब, अब शाम को नहीं लिखूंगा मैं। तो शाम को या तो कभी कभी सम्मेलन हो जाते थे या किसी मित्र के घर जाना, या घर वाले हम लोगों को कहीं ले जाते थे, वो किसी फिल्म दिखाने ले जाते थे। शरद जी ने बहुत हमें फिल्में दिखाई हैं, इंग्लिश की फिल्में, वेस्ट की फिल्में और अलग अलग डायरेक्टर्स की फिल्में, तो वो हमारा एक उनके साथ कोई किस्सा किसी निर्देशक के साथ किसी सिटिंग के दौरान या शूटिंग के दौरान किसी शूट पे आप गई हो? शरद जी खुद शूट पे नहीं जाते थे, मतलब बड़ी फिल्में दिल है कि मानता नहीं का एक भी दिन वो सेट पे नहीं गए हैं, वो ऐसी किसी भी सीरियल के सेट पे नहीं जाते थे। तो शरद जी का ये एक तरीका रहा है कि जो भी उनको जानते थे और घर पे आके मिलते थे वो उनके साथ ही काम किया करते थे। जी शरद जी की जो फिल्में रही हैं उनमें हमने क्षितिज गोधुली की बात कर ली, उत्सव का जिक्र आपने किया। जी, जी। उत्सव एक ऐसी फिल्म रही गिरीश जी की, निर्माता तो शशि कपूर थे लेकिन गिरीश जी ने निर्देशित की, शरद जी ने लिखी थी। उत्सव से जुड़ी कुछ बातें अगर आप शेयर कर सकें। उत्सव फिल्म जब बन रही थी, जब तैयार हो रही थी, तो गिरीश जी के मन में ये था कि इतना बड़ा सेट, इतना भव्य सारा है, उस समय का जो समय है, ईरा है, जो सारा दिखाना है, उसके साथ कहीं ये ना हो जाए कि बहुत भारी भरकम फिल्म बन जाए, उनका सारा डर ये था। तो वो कहीं ना कहीं उसको एक लाइटर मोड पे ले जाना चाह रहे थे, कुछ ऐसे संवाद चाह रहे थे जो आम जनता को समझ में आ जाए, और भाषा भी शुद्ध होनी चाहिए, उस समय की भाषा भी होनी चाहिए, तो उनको एक ऐसा विद्वान व्यक्ति भी चाहिए था जो उस समय को समझ सके, उस समय की भाषा को समझ सके, पर क्लिष्ट ना बना दे, बोझिल ना बना दे। तो शरद जी सहज एक नाम उनके सामने थे कि शरद जी को मैं इसके लिए बुलाता हूँ कि संवाद शरद जी लिखें इसके, और थोड़ा ये होता था कि उसमें एक्सपेरिमेंट बहुत होते थे, वो एक्सटेम्पोर बहुत करवाते थे, तो इसलिए शरद जी से कहा गया था कि आप हमारे साथ आउटडोर पे चलिए। तो उदयपुर जहाँ बर्ड सेंचुरी है वहाँ सारी शूट हुई थी, तो वहाँ पहली एक मेरे ख्याल से फिल्म पहली और आखिरी फिल्म थी वो, जिसमें पूरे शूटिंग में शरद जी साथ रहे, और वो तुरंत उसमें कहते थे कि ये संवाद बदल लीजिए, इसका कर दीजिए, तो वो उस तरह से भी काफ़ी काम शरद जी ने किए हैं उसमें। बजाज जी थे उसमें, बजाज जी हिंदी सबकी सुधारने का काम करते थे एक्टर्स की, और बजाज जी शरद जी का तो संवाद थे, तो वो एक अच्छी टीम रही, और बहुत अच्छी सुंदर यादें हैं उसकी हम लोगों के साथ भी जुड़ी हुई है। छाया
बाद एक और फिल्म है जो कमर्शियल फिल्म कह सकते हैं जिसको, चोरनी। हाँ जी 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 बिल्कुल। और उसके बड़े उसके संवाद बहुत मजेदार हैं। देखिए छोटी सी बात, कल्ट फिल्म थी शरद जी की। हाँ। और चोरनी का जिक्र नहीं होता है उस फिल्म को, आप देखिए आपको इतना मजा आएगा, आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। और नीतू सिंह जी तो उन्होंने जो निभाया है उस रोल को जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। बहुत बहुत मजेदार फिल्म थी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी वो। जी नहीं, मैं एक्चुअली वही सोच रहा था कि जहाँ एक तरफ उत्सव, एक तरफ छोटी सी बात, और वही दूसरी तरफ चोरनी, ये देखिए ये शरद जी की ही खासियत है। जी जी, कि शरद जी जैसे लेखक का के बस की ही बात है। हाँ। कि दोनों के साथ किस तरह से, तीनों के साथ जो न्याय किया है, और जो मतलब जो लेखनी का जो कमाल है, बड़ा था शरद जी का कैनवस, बहुत बड़ा था। मतलब मुझे तो लगता है शरद जी का कैनवस दरअसल हिंदुस्तान इस्तेमाल ही नहीं कर पाया। जितनी उनकी सोच थी, वो जिस तरह की फिल्में सचमुच बनाना चाहते थे, ही यूज्ड टू से आई एम 20 इयर्स अहेड ऑफ माय टाइम, द काइंड ऑफ फिल्म आई लाइक टू राइट, मैं जिस तरह का टेलीविजन लिखना चाहता हूँ, मैं जिस तरह का पॉलिटिकल सटायर लिखना चाह रहे थे टेलीविजन के लिए, यस मिनिस्टर टाइप की सीरियल्स या उससे भी कहीं अलग ढंग की कुछ सीरियल्स लिखना चाह रहे थे वो। फिल्मों के लिए बहुत सारे उनके पास इस तरह के सब्जेक्ट थे जो अभी हैं हमारे पास में, लेकिन उस वक्त भी जब सुनते थे तो ऐसा लगता था कि अरे इस पे कैसे फिल्म बनेगी। अब जो दौर आया है, अब जो नए ढंग के डायरेक्टर्स आए हैं, अब जो टेक्निकली हम लोग साउंड हुए हैं, तो अब लगता है कि हाँ ये समय था जब शरद जी होते, और जो देश में जिस तरह की मुश्किलें चल रही हैं तो शरद जी के लेख को भी हम बहुत मिस करते हैं। और शरद जी में वो क्रिएटिवली अगर उनको जम गई बात
चोरनी का कॉन्सेप्ट उनको जम गया, नीतू सिंह उन्हें एज एन एक्ट्रेस बहुत पसंद थी, तो वो फिर हाँ वो प्रोजेक्ट फिर हो जाता था। चोरनी, चोरनी हूँ मैं, मेरी सूरत में ना जाना, अपनी जेब को बचाना, तीर खा के हमने जाना, ये दुनिया किसी की नहीं। चोरनी हूँ मैं, चोरनी हूँ मैं, मेरी सूरत में ना जाना, अपनी जेब को बचाना, तीर खा के हमने जाना, ये दुनिया किसी की का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है जी। क्योंकि वो अपने आप में एक अद्भुत फिल्म है जी, जी, है ना, चाहे जी, कहानी की वजह से कह लें, निर्देशन की वजह से कह लें, संवादों की वजह से कह लें, लेकिन छोटी सी बात ये छोटी सी बात नहीं, नहीं है। कल्ट फिल्म थी वो, और वो तो आज भी उससे बड़ी जुड़ी कुछ यादें हैं आपको याद? छोटी सी बात तो संवाद शरद जी के थे उसमें, और हमें याद है एक पापा जब घर आते थे तो एक गाना गाते थे, और बड़े जैसे फौजी रंगरूट होते हैं उस ढंग से वो गाना गाया करते थे। अच्छा। हाँ, कि जर्मन जर्मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए। हम वो गाना सुनते थे, मैं तो छोटी थी, मेरी माँ और बहनें बता दी थी, तो जब फिल्म देखने गए तो फिल्म में वो गाना ही नहीं था, समझ में ही नहीं आया, वो आके गाना निकल गया। बाद में कुछ और थी। योगेश जी का लिखा हुआ गीत था। तो बाद में माँ ने पूछा कि शरद वो जो गाना तुम गाते थे वो तो है ही नहीं फिल्म में, तो उनका नहीं है ना फिल्म में, देखो तो तुम। तो ऐसी बहुत सारी यादें हमें रहती थी, और शरद जी के बहुत सारे लेख लिखना, उसका जो प्रोसेस रहा है, उसकी जो तैयारियां हुई हैं, उसकी जो डिटेलिंग पे जो वो काम करते थे, और उस जमाने में एक ऐसा रहता था कि राइटर की चलती थी, वो लेखक जाना जाता था और वो हर पात्र को अपने ढंग से लिखता था। अगर कोई उर्दू का मशहूर राइटर है तो वो एक हिंदू पात्र को भी उर्दू के बड़े बड़े लफ्ज दे देता था भारी भरकम, और उस तरह से कुछ एक अलग ढंग का दौर 70 के दशक में लोगों ने देखा। शरद जी इन सबसे बड़े खफा रहते थे, और उन्होंने एक बड़े अलग ढंग का माहौल और एक बड़े नए ढंग की स्क्रिप्ट लोगों के सामने रखी कि बहुत ही सरल स्वाभाविक ढंग से एक व्यक्ति उस स्थिति में उस मनोदशा में किस तरह की बात कहेगा बोलेगा वो लिखना जरूरी है। तो वो उस तरह की एक मैच्योरिटी जो डेवलप की है संवादों में, उसमें शरद जी का बड़ा हाथ है सिनेमा में और टेलीविजन में।
जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने दे हाँ, अभी तो हुई है यारी अभी से ये बेकरारी दिन को जरा जलने दे तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने दे हाँ, अभी तो हुई है यारी अभी से ये बेकरारी दिन को जरा समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे फिर समझू मैं तेरी राधे जा दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे ऐसे घबराओ नहीं कभी तो कहीं ना कहीं बादल बरसेंगे छेड़ेंगे कभी ना तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे ऐसे घबराओ नहीं कभी तो कहीं ना कहीं बादल बरसेंगे क्या करेंगे बरस के जब मुरझाएगा ये सारा चमन ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन हाँ जाने मन और उल्लेखनीय फिल्म है जिसका उल्लेख करना बहुत जरूरी क्योंकि वो फिल्म सुपर डुपर हिट रही उसके गाने भी सुपर डुपर हिट रहे और वो फिल्म है दिल है के मानता नहीं महेश भट्ट की जी, फिल्म जी। हालांकि ये एक रीमेक था जी। फिल्म चोरी चोरी का राज कपूर और नरगिस का लेकिन शरद जी ने जब इसको मतलब जब ये नए तरीके से आया दिल है के मानता जी, नहीं जी। तो बिल्कुल ऐसा लगा नहीं एक अलग
इसका फ्लेवर था, जो नए किरदार नए कलाकार जो थे जी, उनके साथ किस तरह से जेल हुई राइटिंग, ये कमाल शरद जी ही कर सकते थे। वो बड़ा ट्रिकी था सारा मामला, और महेश भट्ट जी साहब ने बहुत सही समय पे शरद जी को याद किया कि जर्नलिस्ट का रोल था आमिर खान का जी हाँ, तो जर्नलिस्ट के रोल को उस तरह की लाइनें दी जाएं, उस तरह के संवाद दिए जाएं, और एक हिंदुस्तानी वो एशियन उसका जो एक फ्लेवर उसमें आना चाहिए सारा, तो उन्होंने शरद जी से कहा कि ये आप पूरे उसके संवाद लिखिए। तो शरद जी ने कहा मैं पुराना उसको सोचना ही नहीं चाहता कि पुराना क्या था और क्या बना था, आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है मैं उस पर अपना काम करूँगा, संवाद मैं उस पर लिखूँगा। तो जो सारे लिखे हैं, जो एक आखिर तक पूजा बेटी भाग जा वाला जो एक पूरा सीक्वेंस है जो बड़ा मशहूर हुआ बाद में, कि पहली बार शायद स्क्रीन पे किसी पिता ने अपनी बेटी से कहा कि तू भाग जा, तू मत शादी करे, गलत लड़का है। तो इस तरह का जो एक सारी प्रोग्रेस हुई है, अनुपम खेर का बड़ा मजेदार और बड़ा अनोखा कैरेक्टर था उसमें, हालांकि अनुपम खेर साहब ने खुद ने उसमें बहुत ज्यादा एक्ट किया था, उनके एक्शन जो थे जो मिमिक थे और उस तरह से, तो वो एक बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट शरद जी ने लिखी। महेश भट्ट साहब का खुद का कहना है कि जस्ट रिमूव शरद जी फ्रॉम दिल है के मानता नहीं and it's a soulless film. Dil hai ke maanta nahi, dil hai ke maanta nahi, mushkil badi hai rasm e mohabbat,
बस में मुहब्बत ये जानता जी, ये जो है जिंदगी के बारे में तो हमने काफी बात की, लेकिन शरद जी के जो सीरियल्स रहे, धारावाहिक रहे, जो दूरदर्शन पर जिन्होंने कमाल किया है, और ये कहना कि कमाल किया है शायद गलत होगा, क्योंकि कमाल उनका अब भी जारी है। इस समय भी वो सीरियल्स जो हैं लोगों के दिलों में छाए हुए हैं, फिर वो चाहे मालगुड़ी डेज हो, विक्रम बेताल हो, सिंहासन बत्तीसी हो, लापता गंज हो, ये दुनिया गजब की हो, दाने अनार के हों या वाह जनाब हो, और ये सारे के सारे सीरियल्स जो हैं एक से एक लैंडमार्क सीरियल्स हैं, और इनसे शरद जोशी की कलम जुड़ी रही तो निश्चित रूप से ये सारे सीरियल्स जो हैं अमर हो गए हैं। अब लापता गंज से जुड़ी कुछ बातें आपसे जरूर करना चाहूंगा। लापता गंज असल में हमने एक पायलट बनाया था, और मैंने अपने कुछ रोहिताश था उसमें और कुछ दूसरे मित्र थे, और शरद जी के एक लेख को लेकर हमने बहुत समय लगा उस लेख को ढूंढने में कि ब्रेक कैसे करें और कहाँ से शुरुआत करें और क्या इसकी प्रिमाइस क्या बननी चाहिए। तो प्रिमाइस बनते बनते बहुत समय लग गया हमको, लेकिन आखिरकार वो हमको एक ब्रेक थ्रू मिला और हमने उसका एक पायलट बनाया और एक प्राइवेट चैनल को दिखाया। और मुझे याद है मैंने गुरुवार के दिन उनको मेल भेजी और सोमवार को मुझे अप्रूवल मिल गया कि हाँ हम शुरुआत कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि ये काम। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि वो हर रोज चाह रहे थे उस सीरियल को, डेली चाह रहे थे, डेली मेरे लिए लिखना और मेरे लिए उसको प्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल काम था। तो फिर अश्विन धीर को हमने वो सारा जो सारा मैटर था वो सौंप दिया, तो अश्विन धीर ने उसको निर्देशित किया और तीन चार उसके लेखक थे जिन्होंने उसकी स्क्रिप्ट्स लिखी। तो ये अश्विन धीर ही थे जिन्होंने अतिथि तुम कब जाओगे जी, उन्होंने वही उसी समय उनका असल में फोन आया था और उसको सारा सिलसिला फिर उससे शुरू हुआ। जी। नेहा जी, अभी तो चलिए ये कोरोना काल चल रहा था। लेकिन इससे पहले जी, जब आप सक्रिय थी, हाँ। तो किस तरह से आप शरद जी की जो रचनाएं हैं उनके साथ किस तरह से जुड़ी रही हैं, क्या आपकी गतिविधि रही है? अभी हमने शरद जी के कोई 35 लिंक YouTube पे डाले हैं और उसमें बहुत सारे लोगों के संस्मरण हैं, लेखक हैं उसमें, कवि हैं और उसमें अभिनेता हैं जिन्होंने शरद जी के लेख भी पढ़े हैं। सुरेंद्र शर्मा जी ने पढ़ा है, अशोक चक्रधर जी ने लेख पढ़े हैं, अखिलेंद्र मिश्रा ने पढ़ा है, बहुत सारे अच्छे लोग हमारे साथ, परिचित लोग जुड़े हैं, नामचीन लोग जुड़े हैं। और शरद जी के जन्मदिवस को हमने पूरे महीने भर मनाया और उसमें लगातार हम लोग शरद जी के लेख दिखाते रहे। तो ये हमारा एक बड़ा काम इस बीच में लॉकडाउन के दौरान हुआ है। और इसके अलावा मैं मंच पे करती रहती हूँ बहुत सारे प्रोग्राम, स्टेज शो लिखती भी हूँ और कंपेयर भी करती हूँ। तो बुल्ले शाह मैंने किया इस बीच में, साहिल लुधियानवी किया, अमीर खुसरो को किया, तो बस अब वो कवि सम्मेलन भी चलते रहते हैं, दूसरे काम भी चलते रहते हैं। शरद जी होते तो लिखते हैं कोरोना तुम कब जाओगे जी और शरद जी इस महामारी, इस दानव को भी बहुत ही सटायरिक तरीके से भगाते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत ये दौर पूरा ऐसा निकला है हिंदुस्तान का 20वीं सदी का जिसमें शरद जी का होना बहुत जरूरी था, बहुत शिद्दत से शरद जी का होना जरूरी था। उनके साथ में भी उस समय कुछ संपादक थे, कुछ दूसरे लेखक थे, वो एक ऐसी अद्भुत टीम थी। प्रभाष जोशी हुए, राजेंद्र माथुर हुए, मनोहर श्याम जोशी हुए, ये लोगों ने बहुत बहुत अद्भुत काम किए हैं और जीवन को समझने की, और उसके अलावा जो उनके अंदर एक फितरत थी वो बहुत सही मिट्टी से जुड़े हुए लोग थे। तो वो अब हम जो हैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस करते हैं कि वो बात अब नहीं रही है, गई
तो इस वक्त तो कोरोना काल में तो हाँ शरद जी को होते तो बहुत सारी चीजें जो है कि एक शरद जी का लेख सुबह पढ़ लेते तो अपने आप ही दिन अच्छा हो जाता। मुझे याद है मैं भी जब पेपर आता था तो सबसे पहले दो चीजें देखता था, एक आम आदमी का वो आर के लक्ष्मण जी का कार्टून, दूसरा शरद जी का लेख। प्रतिदिन, प्रतिदिन। ये दो चीजें पहले देखते थे, बाद में हेडलाइन। नेहा जी, अब यहाँ मैं समझता हूँ कि एक शरद जी की बहुत ही अच्छी सी, वैसे तो उनकी सभी कविताएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके मन के जो बहुत करीब हो जी, उस कविता से आज के इस कार्यक्रम को हम विराम देते हैं, तो आप अगर वो कविता हमें सुनाएं। चलिए, आज के दौर की और आज की तकलीफों की भी हम बात करते हैं और देश में जो होता है उसके बारे में शरद जी हमेशा सजग रहते थे। तो एक लेख उनका जो बड़ा प्रसिद्ध रहा है, होता रहता है वही जो हुआ करता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो इस देश में हमेशा होती रहती हैं, जैसे विदेश से कोई नेता हवाई जहाज से उतरता है और एयरपोर्ट पे खड़ा होके कहता है, आपका देश बड़ा महान है, आपका देश बड़ा सुंदर है, सुन के संतोष होता है। विदेश में भी वहां जैसे यहाँ जैसे नेता होते हैं, बिना सोचे समझे हर कुछ कह देते हैं। हमारा देश महान है, इसमें तो कोई शक नहीं, आप हम सब महान है तो देश तो महान होने से ही रहा। देश सुंदर भी है, गवर्नमेंट की सारी कोशिशों के बावजूद भी कहीं कहीं से सुंदर लग जाता है, तो इसमें किसी का क्या दोष। ताज्जुब तो तब होता है जब वो विदेशी नेता सारा देश घूमने के बाद भी यही बात दोहराता है, तब लगता है नेता कहीं कभी हो झूठ जरूर बोलेगा। तो इस तरह से ये पूरा लेख है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। आज इतनी सारी बातें शरद जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी लेखनी के बारे में सीधे आपसे हमें पता चली हैं। जी, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे फिर कभी एक और आपसे मुलाकात का मौका हमें मिले। जरूर जरूर मुलाकात होगी, और भी बातें शरद जी से जुड़ी, आप जो आगे उनके काम बढ़ाने वाले हैं उनके संबंध में कुछ चर्चा हो अवश्य, तो ये वादा हम आपसे लेते हैं। जी, और तमाम सुनने वालों की तरफ से, विविध भारती की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया विविध भारती का बुलाने के लिए, शरद जी को इतनी मोहब्बत से याद करने के लिए, बहुत शुक्रिया। बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे लेखक और व्यंग्यकार शरद जोशी की सुपुत्री अभिनेत्री नेहा शरद से अमरकांत दुबे की बातचीत। तकनीकी सहयोग दिया तेजश्री शेट्टे ने, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। अपना बॉम्बे टॉकीज़।